हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे कि मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2018 के लिए जो आयोग ने नोटिस दिया है उसके बारे में। जो बच्चे प्री क्लियर कर चुके हैं, मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो लोग पेपर 1, 2, 3 और 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो पाठ्यक्रम है वो उन्होंने अपनी साइट पर तो दे रखा है और मैंने अपनी सारी वीडियोस में भी वो जो उनका सिलेबस है वो बताया हुआ है। तो उन्होंने अब तक ये नहीं बता रखा था कि कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन की प्रकृति कैसे होगी, मतलब कि शॉर्ट आंसर होगा या लॉन्ग आंसर होगा। तो यहाँ पर ये नोटिस हमें गाइड कर रहा है कि नए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र की जो प्रश्नों की कुल संख्या वो 20 होगी और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। मतलब कि हम ये पहले मान के चलें कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय और 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। मींस कि 10 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट टाइप के होंगे और जो 10 क्वेश्चन है वो लॉन्ग टाइप के होंगे। लेकिन शॉर्ट टाइप की यहाँ आप देख लीजिए, शॉर्ट तो कहीं भी नहीं है। 125 शब्द सीमा है 10 क्वेश्चनों की, और वहीं जो 10 क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में होंगे वो 200 शब्द है शब्द सीमा उसकी। और तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 125 से 150 भी हो सकता है, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होती। 10 पीस वर्ड इधर उधर हो सकते हैं और 200 के हम 225 भी कर सकते हैं। तो ये हमें दी हुई है, तो ये क्लियर मेंशन हो चुका है कि 10 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे, 10 क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। या तो क्वेश्चनों के अंदर ही चॉइस दे दी जाए तो वो बात अलग है। हो सकता है आयोग हमें एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दे, उसका हमें इंतज़ार रहेगा, वो जल्द ही प्रोवाइड कराए हमें। तो यहाँ पर हम लोगों को अपनी तैयारी अब इस हिसाब से रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट में बिल्कुल तैयार नहीं करना। जैसे कि एमपीपीएससी में होता है कि शब्द सीमा होती है 2 लाइनों में, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं तैयार करना। अब हमें 125 वर्ड मिनिमम हमें तैयार करने हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन पेपर की आगे तैयारी करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी और उसका आइडियल आंसर जो हो सकता है वो भी आपको बताऊँगी। आगे यहाँ पर लिखा है कि अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी और निबंध, और जो वैकल्पिक विषय है उसका जो प्रश्न पत्र है जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो जैसा सिलेबस है आप उसको देखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए बिल्कुल अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको जल्द ही सूचित करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।